गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिफ्थ क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ टाइम यू मूव टू अ न्यू होम और स्कूल शेयर कर रही हूँ डिटेल पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज आज मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, बट वो जो है लेस देन 1 मिनट की वीडियो थी, तो उसमें फॉलोअप शेयर नहीं हो पाए। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि फिफ्थ क्यू कार्ड कवर करें, साथ ही में फॉलोअप्स और कुछ पॉइंट हैं जो इंट्रो क्वेश्चन के भी कवर करने की कोशिश करें। सो हमारा जो स्पीकिंग पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, बिकॉज कई लोगों को नवंबर में एग्जाम देना, किसी ने दिसंबर में। सो आई ट्राई टू कवर ऑल दिस 3 पार्ट्स। सो फिफ्थ, डिस्क्राइब अ टाइम यू मूव टू अ न्यू होम और स्कूल। यू शुड से व्हेन यू मूव, वेयर यू मूव, व्हाई यू मूव एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। सो कमेंस विद, 5 years ago माई ग्रैंड पेरेंट्स मूव इन विद अस फ्रॉम द विलेज। देयर हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड दे वर फीलिंग वेरी लोनली इन द विलेज। माई फादर फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ दैम। So my father found it very difficult to take care of them and focus on his work at the same time. Sorry guys, background noise ke liye. So he requested grandpa and grandma to come live with us. At first they were reluctant. However, after some cajoling by my sister and I, they finally agreed. We had been so focused on convincing them to shift in with us that we had forgotten one thing. We had a small 2-bedroom house at that time and it was insufficient for 6 of us to live in a house. We adjusted for a while, but ultimately my dad decided to rent a 4-bedroom house about 5 kilometers from our old house. Our last house was rental as well, as despite the difference in size, there wasn't much difference in the rent between the two houses. Maybe it was because the house we shifted to was quite old. I had mixed feelings about the whole experience. On the one hand, I was very happy that I would be getting my own room. On the other hand, the house we shifted to wasn't as comfortable as the old one. There was no air conditioning in my room, so it got very hot during the day and I was barely able to stay in the room during the day. But at night, as the temperature came down, I was able to sleep in room. Moreover, I missed my old neighbors and friends. There were many children of my age and in my previous neighborhood. In the new community, there was hardly anyone my age. It got very boring. My parents were afraid of sending me too far to my old neighborhood to play, but on a positive note, this meant that I spent more time with my grandparents, which improved my bond with them. I still reminisce about that old house sometimes, but I don't regret moving to new house. Actually, I am very happy that my parents made the sacrifice for taking better care of my grandparents. सो गाइज, ये था फिफ्थ क्यू कार्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला है कि डोंट ट्राई टू लर्न लाइन टू लाइन, आपको इन्हें रटना नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम जो आप लोगों को आती है वो दूर करने के लिए, और साथ ही में आप लोगों का वर्ड टू वर्ड बिल्कुल भी इसे मिमिक्री एज नहीं लेना है, बिकॉज अगर आपने वर्ड टू वर्ड इसे लर्न किया तो जो एग्जामिनर वो कैच कर लेगा कि आपके जो रटा रटा है कंसेप्ट है, सो इट विल बी लूज योर मार्क्स। सो ट्राई टू ऑब्जर्व ग्रामेटिकल नॉलेज एंड ट्राई टू मेक योर लैंग्वेज। सो आइडिया भी आपका होना चाहिए, लैंग्वेज भी आपकी होनी चाहिए। आइडिया आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट वो लैंग्वेज आपको चूज करनी है जो आप लोगों को बोलने में फ्रेंडली हो, आपके टंग के लिए फ्रेंडली हो। अदरवाइज अगर आपने डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज की, सो आप सोच रहे होंगे कि हमारे बैंड ज़्यादा हाई होंगे, बट डोंट यूज हाई वोकेबलरी वर्ड्स, यूज द ओनली दीज वर्ड्स विच आर फ्रेंडली टू योर टंग। सो ट्राई टू अवॉइड हाई वोकेबलरी, अगर हाई वोकेबलरी यूज करनी है तो मेक श्योर कि आप फ्रेंडली मैनर से बोल रहे हो, यूं ना लगे कि हाँ रेटा रेटा आप बोल रहे हो। सो वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट डोंट लर्न लाइन टू लाइन, इट्स ओनली फॉर योर इन्हेंसिंग योर ग्रामेटिकल नॉलेज एंड गिव यू आइडियाज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर क्यू कार्ड्स। फॉलो अप, व्हाई डू पीपल मूव टू अ न्यू होम?
There are many reasons why people move to new home, but most commonly people move for job, education. In other words, people move when they get a job or join an educational institute which is too far for them to commute daily. Another big reason is marriage or because of children. This is because either they want independence and privacy, or because their earlier house might be too small to accommodate their growing family. So second question is, what problems do people face after moving to a new place? How do people solve these problems? I think it depends upon the place they are moving to. For example, if they are moving to new place with a different culture, they might face a culture shock. Another problem is getting to know neighbors and making new friends. People solve these problems by having a housewarming party to invite new neighbors and get to know them. So, third follow-up is, follow-up question third is, what are the advantages and disadvantages of living in a same place? It is comfortable to live in same place for a long time as people are familiar with everything. They don't need to spend time setting up things again and again. On the other hand, it gets boring and monotonous to live in the same place. So guys, last but not the least, answer is, question is it good to move to a new place frequently? Why? I don't think it is good to move to a new place too frequently. Firstly, it might be challenging to do so financially. Moving involves a lot of expenses. Secondly, it might be difficult to make new friends and people might miss their old place. Finally, from the children's point of view, it can be disturbing as it would affect their educational continuity. So guys, ये जो follow-ups है वो भी हमने cover करने की कोशिश की और साथ ही में detailed cue card. So fifth cue card जो है हमने cover कर लिया, साथ ही में इसके follow-ups, video काफी लंबी हो जा रही थी, इसलिए intro question जो है next video में मैं separately create करने की कोशिश करूंगी. आने वाली video में sixth cue card भी आप लोगों के साथ जल्द share करूंगी, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी speaking की तैयारी हो सके. So अभी तक आपने previous video नहीं देखी है, go and watch because they are very helpful. काफ़ी जो क्यू कार्ड्स हैं इस मक्कड़ आइल्स के बुक में से पूछे जाते हैं, और कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला भी है मुझे कि हाँ, इनमें से क्यू कार्ड के कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा. बट डोंट लर्न इट, ओनली ऑब्जर्व इट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.